जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात का मॉडल अलग है, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का मॉडल अलग है, अगर कर्नाटक तेलंगाना की बात करें तो उसका मॉडल अलग है, अगर राजस्थान हरियाणा की बात करें तो उसका मॉडल अलग है। 12370 होने के बाद में हमने जम्मू कश्मीर में भी थ्रेसर भेजे हैं, उसका तो नज़ारा ही कुछ और है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि J&K में हम थ्रेसर भेजेंगे, लेकिन वो हमारा सौभाग्य था इस बार जो हमने वो थ्रेसर वहाँ तक भेज दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का और शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ खड़े हैं जिन्होंने इस NVT थ्रेशर को डिज़ाइन किया है कि हमें फैक्ट्री विजिट का वीडियो चाहिए और जो इसको डिज़ाइन कर रहा है उनसे बात करके हमें वीडियो में जानकारी दो थ्रेशर के बारे में पूरी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है। सर नमस्कार। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना नाम बता दीजिए थोड़ा सा। सर मक्खन सिंह, NVT थ्रेशर ओनर। जी सर, बहुत ही कमाल का थ्रेशर बनाया आप देखते ही देखते, मतलब भारत का सबसे ज़्यादा बिकने वाला, मेरी जहाँ तक नॉलेज है सबसे ज़्यादा बिकने वाला थ्रेशर आपने बनाया। ऐसा क्या करा है कि सभी किसान जिसने लिया वो चार किसानों को और सजेस्ट करता है यही थ्रेशर लो? देखो जी, हमारा एक ही लक्ष्य है, हम कस्टमर की संतुष्टि करवा सकें कैसे भी हो चाहे। हमारा ब्रांड में किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत आए, हम 24 घंटे ही ऑनलाइन ही होते हैं, कोई भी कस्टमर की समस्या होती है हम उसको सॉल्व करते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के हिसाब से ही बनता है। कस्टमर अगर कोई डिमांड करता है तो हमारा लक्ष्य है उसकी डिमांड को पूरा करना। बिल्कुल सर, क्योंकि आगे चल कर चलाना किसानों को ही है, जो किसान डिमांड करेगा उसको आप पूरी करोगे तो किसान उसको हाथों हाथ लेगा। जी सर, तो कुछ खूबियाँ बताना चाहेंगे अपने थ्रेशर में जो सबसे आप NVT थ्रेशर को अलग ले जाके खड़ा करता है कतार में जहाँ सबसे आगे? देखो सबसे पहले हमारे थ्रेशर के मल्टी ग्रोव जो थ्रेशर है इसमें 4 फैन लगे हुए हैं, और हर पंखे की जो एडजस्टमेंट है हवा की वो अलग अलग ढंग से दी हुई है। इसके अंदर जो मतलब हवा का जो कंट्रोल सिस्टम है वो अलग अलग से लगा हुआ है। दूसरी इसकी जो एडजस्टमेंट है हवा का प्रेशर चलने में, इसकी सेटिंग इस ढंग से बनी हुई है कि अनजान से अनजान कस्टमर उसको फ़ोन पे भी अगर हम बताते हैं तो उसके बिल्कुल बढ़िया तरीके से वो समझ पाता है इसको, उसको किसी तरह के कुछ समझने में दिक्कत ही नहीं आती। बाकी आप जब कस्टमर को थ्रेशर देते हैं तो सारी जानकारी उसको उपलब्ध कराते होंगे कैसे थ्रेशर की सेटिंग होगी? लिंक बने हुए हैं सर, कोई कस्टमर का फ़ोन आता है हम उसको लिंक सेंड कर देते हैं, उसके एक मिनट में समझ आता है, उसको दोबारा फ़ोन करने की नौबत ही नहीं पड़ती, और आगे जहां भी थ्रेशर गया हुआ है कस्टमर खुद ही उसको फ़ोन करके पूछ लेता है। ये इस थ्रेशर में सबसे बड़ी खासियत ये है। अभी कहाँ कहाँ तक थ्रेशर जा रहे हैं सर अपने? हमारे ये 7 स्टेट में जा रहे हैं सर, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, MP में, UP में। सर इस थ्रेशर के बारे में कुछ और बताइए किसान भाइयों को, जो इसके स्पेशल फीचर जो आपको लगते हैं कि दूसरे थ्रेशर से कुछ अलग है। इसमें सर एक तो हमारा जो सिस्टम लगा हुआ है ना, इसमें रोलर सिस्टम है, चैन नहीं है, हमने चैन बाहर निकाला हुआ है, और अंदर रोलर सिस्टम होने की वजह से ये गिल्ले माल को बड़ी आसानी से अंदर ले जाता है, चैन वाला सिस्टम बाहर है और इसमें माल जो है वो रुकता नहीं है, बिल्कुल चोक नहीं होता। जी जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। इसके अलावा और कुछ बताएंगे जो मतलब काफ़ी मेरे को जैसे ये फीचर काफ़ी एंटिक लगता है आपने ये? हाँ ये इसका आइटल है सर, जिस टाइम कोई गाड़ा फंस गया या गिल्ले में ट्रैक्टर दब गया या कुछ भी ऐसा हो गया तो ये इसको ऊंचा कर दोगे ये पीछे से मशीन पूरे का पूरा रुक जाएगा। अच्छा, फिर बिल्कुल रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा। और ये रोटर ओवरलोड होने के बाद क्या? ये इसमें अंदर ये खिड़की लगी हुई है, इसको ऐसे ऊंचा कर दोगे जो फालतू का कचरा होगा वो बाहर निकल जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि जो किसान है वो कोशिश करते हैं गीला से गीला माल निकालने की, और वो इस खिड़की को ऊपर ऐसे भी कर देते हैं, ये ऊपर सीधी खड़ी हो जाती है, वो एक्स्ट्रा में जो फालतू कचरा होता है वो बाहर निकलता रहता है, और गीले से गीला माल भी कस्टमर अपने हिसाब से निकालता है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी पुलियाँ ही पुलियाँ दिख रही, जब नॉर्मल मैं देखता हूँ दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पुली मिलती है, तो इनका क्या सीन है, इतनी पुलियाँ देने का भी स्पेशल कोई कारण था क्या? अपना ये NVT का जो प्रोडक्ट है ना, इसमें 3 RPM हमने दिए हुए हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 3 पुली देने का मेन कारण यही है कि गिल्ला सूखा माल किसान RPM कम ज़्यादा करके निकाल सकता है, उसको अपना जो खेत है वो बीच में छोड़ के नहीं आना पड़ता। अच्छा, गिल्ला माल है तो भी आराम से खींच लेगी, 50% तक ये गिल्ला माल निकाल देगा, अगर किसान पौधे को हाथ से लेके तोड़ेंगे आधा टूट जाएगा आधा मुड़ जाएगा वैसा माल निकाल देगा। काफ़ी बढ़िया सर, मैंने वैसे इसको चलते हुए देखा है और स्पेशली तौर से आप, मैंने इसको इस साल इस्तेमाल भी कराया तो मुझे इतना तो अनुभव है कि चलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया है जहाँ जो बाद में कचरा वगैरह रह जाता है वो यहाँ से डाल सकते हैं आप, ताकि ऊपर से डालने की जरूरत नहीं रहे, और सीधा सा ये छाने पे जाके माल की सफाई करके वापस ट्रॉली में लोड करने का काम करता है। वहीं
अगर आगे की तरफ आ जाता तो एलिवेटर ज़मीन से इतना ऊपर दिया गया है कि आप आराम से देखेंगे किसी भी उबड़ खाबड़ किसी भी रास्ते में लेके जाओगे तो भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है। तो किसान भाइयों के लिए एक परफेक्ट मॉडल का NVT थ्रेशर है जो आप काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं और आज आपकी काफ़ी मांग पे मैंने मक्खन सिंह जी से आपकी बात भी करवा दी। हम हर ब्रांड को अलग अलग मॉडल के हिसाब से बनाते हैं। जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात का मॉडल अलग है, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का मॉडल अलग है, अगर कर्नाटक तेलंगाना की बात करें तो उसका मॉडल अलग है, अगर राजस्थान हरियाणा की बात करें तो उसका मॉडल अलग है, और अब तो हमने पंजाब में भी भेजे हैं उसका भी मॉडल एक अलग ही है। अंदर हम वहाँ हार्वेस्टर ज़्यादा चलता है, मल्टीक्रॉप थ्रेशर नहीं है। जैसे मक्का की खेती होती है, मूंग मोठ की खेती होती है, और इस बार तो ये धारा 370 होने के बाद में हमने जम्मू कश्मीर में भी थ्रेशर भेजे हैं, उसका तो नज़ारा ही हो रहा है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि J&K में हम थ्रेशर भेजेंगे, लेकिन वो हमारा सौभाग्य था इस बार जो हमने वो थ्रेशर वहाँ तक भेज दी है। सर मेरा भी आज सौभाग्य, मुझे लगता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैं आपसे मिलना चाहता था, आपकी फैक्ट्री विजिट करना चाहता था। धन्यवाद सर, आज आपने मौका दिया हमें और ये NVT थ्रेशर हमारे किसान भाइयों को दिखाया और उसकी इतनी सारी खूबियाँ आपने बताई जिनको यकीनन किसान भाई देखेंगे तो उनको काफ़ी समझ में आएगा। मक्खन सिंह जी, जैसे आप तो आपके सुपरविजन में सारा काम होता ही सारे थ्रेशरों की आप देख रहे करते हैं, लेकिन जो टेस्टिंग होती है कलर से पहले फाइनल टेस्टिंग जिसको बोला जाता है, किस प्रकार से की जाती है और क्या क्या क्वालिटी टेस्ट करते हो आप? देखो जी, हमारे पास सोनालिका ट्रैक्टर है DI 35 HP और एक मैसी ट्रैक्टर है 7250। दोनों ट्रैक्टरों से हम जिस हिसाब से जिसको भी टाइम मिलता है उस हिसाब से हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, और वह टेस्टिंग के लिए हम किसी पर विश्वास नहीं करते। हमारा भतीजा है बसंत सिंह जो कि शुरू से ही इसका मेन काम वो मशीन की टेस्टिंग करने का है, लेकिन अब काम ज़्यादा होने की वजह से, वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से इसने अपने कजन को साथ में ले लिया, वो भी मेरा भतीजा है गंगा सिंह, और इसके ये सहयोगी हैं गुरप्रीत सिंह जो कि मेरा पर्सनल ड्राइवर है। जब तक तकरीबन ये मान के चलो कि सर 99 से मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, ये महेंद्र नाम का लड़का है, ये तो अपने घर में भी नहीं जाता कभी, इसको तो घर वालों ने ये कह दिया भी तू NVT के गोद में चला जा, ठीक है। और ये हमारे R&D हैं जो गुरमेल सिंह जी हैं, हमारे ये नज़दीक के गांव में रहते हैं और इस ये भी हमारा पूरा सहयोग करते हैं। मैंने सुना ज़्यादातर फील्ड में रहते हैं। हाँ, ये फील्ड में रहते हैं, ये तो नहाए भी नहीं है सर, कई दिन हो गए इनको, आज नहाएंगे इनको, ठीक है ना। तो बाकी ये टेस्टिंग का जो मेन काम है वो बसंत सिंह का है, ये लोडिंग करने वाले ये लड़के हैं गुरप्रीत जो हमारे साथ जो हैं कंधे से कंधा मिलाकर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, और ये हमारे वो अंदर नेटवर्क आपने देख लिया पूरी टीम का, तो हमारी फैक्ट्री घुमाई पूरे दिन आपने। बिल्कुल सर, थैंक यू। तो भाई सबसे पहले एक बार नाम बता दीजिए वापस। सर मेरा नाम बसंत सिंह है, नमस्कार सबसे पहले सभी को। तो टेस्टिंग आप कैसे करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं कि इसमें ये थ्रेशर में ये टेस्टिंग होनी है? देखो सर, हम सबसे पहले तो इसको तैयार होने के रेडी होने के बाद बाहर निकालते हैं, इसके सभी नट बोल्ट चेक करते हैं, कोई भी चीज़ इसकी ढीली ना हो, उसके बाद इसको हम ट्रैक्टर से जोड़कर PTO क्रॉस डाल के इसको घुमाते हैं ताकि किसी चीज़ में कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, कोई चीज़ टक्कर तो नहीं रही। उसके बाद हम इसका बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस ये एक ऐसी चीज़ है, अगर बैलेंस ना निकला तो मशीन कभी भी टिक के चल नहीं पाएगी, जब टिक के नहीं चल पाएगी इसका वेल्डिंग उखड़ेगा, इसकी लाइफ कम हो जाएगी और ना ही ये ट्रैक्टर को अच्छे से घुमा पाएगी, और जिससे ट्रैक्टर भी अपने बैलेंस में नहीं रहेगा, जिससे जमींदार को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और ट्रैक्टर भी लोड लेता है क्योंकि इसके आपस में RPM नहीं मिलते। कोई भी हमारी मशीन ले लो, इसको हम आप चला कर देखो, इस पर पानी का गिलास भी रख लेना, वो भी नहीं डुलेगा, अगर वो डुलेगा तो आप हमें रिप्लाई दें अभी ये आपकी मशीन सही नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम चांस है ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देते। और जिससे क्या है, ये इतना हम अगर आपको कहते हैं आप कभी भी कोई भी मशीन चेक कर सकते हैं, उन्हें नहीं देंगे जब तक हमारी मशीन पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, चल नहीं पाती, हम पूरा सेटिस्फाई नहीं, संतुष्ट नहीं हो पाते, तब तक हम मशीन को अपने कलर पे नहीं भेजते। हर मशीन को टेस्ट करके भेजते हैं? हर मशीन को टेस्ट करके भेजते हैं सर, अगर चाहे वो मशीन एक है चाहे 50 है, बिना टेस्टिंग करने के बाद हम मशीन को कभी भी कहीं नहीं भेजते। तो जैसे आपने किसानों को मशीनें भेज दी जी, 2 साल पहले भेजी, 3 साल पहले भेजी, उन किसान भाइयों को क्या रिस्पॉन्स आता आपके लिए? देखो हमारा, हम तो अपना सौभाग्य जब भी समझ गए ना, जैसे कोई भी किसान थ्रेसर लेके चला गया वो अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने जीजे को, अपने साले को थ्रेसर दिलवाने के लिए साथ में आए, जब वो 2-4 कस्टमर लेके आएगा तभी हम सोचेंगे अपना ब्रांड अच्छा चल रहा है, और हमें विश्वास है जिस जिसको थ्रेसर दिया है उसने, आप तो जुड़े जुड़ा हमारे साथ, उसने पूरे परिवार को भी जोड़ा, इसके लिए हम उस किसान भाई का जितने भी चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह रहे हैं हमारी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा नाम गंगा सिंह है, सभी को नमस्कार पहले तो। और जैसे कि बसंत तो इस काम में बहुत पुराना है, मेरे को कुछ ही टाइम हुआ इस काम में आए को, तो पहले 1-2 महीने तो मैं पहले इस चीज़ को समझा कि बसंत वेट कैसे निकालता है, क्योंकि वर्कलोड बहुत हो गया था।
तो धीरे धीरे अब कुछ हाथ जमने लगा है, लेकिन मेन बसंत ही वेट निकालता है। मैं उसके बाद जो इसका अगला प्रोसेस है मैं उसमें ध्यान देता हूँ, जैसे मशीन कलर होती है, कलर सही हुआ या नहीं हुआ, इस पर स्टिकर लगते हैं। उसके बाद जब इसको भेजना है जहाँ पे, तो इसके साथ जो सामान है, जो बेल्ट है, जो जाल वगैरह जो साथ में देने होते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो सामान कस्टमर के पास पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। तो मकन सिंह जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि मल्टीक्रॉप थ्रेशर मैंने खूब देखे हैं, मेरे पास भी है एक जी, बाकी सभी जगह परफेक्ट तरीके से काम कर लेगा, लेकिन जहाँ गेहूं की बात आएगी और स्पेशल तौर से देखा जाए तो गेहूं में आजकल इतनी वैरायटी हो गई कि सभी तरह से परफेक्ट नहीं निकलता। लेकिन मैंने एनवीटी का पिछले साल मैंने कह रहा हूँ मैंने खुद चलाया, तो इतना परफेक्ट रिजल्ट आने का क्या कारण है? उसमें सर बाकी फसलें जो निकालता है, जैसे आपने गेहूं की बात करी है, तो गेहूं के अंदर हमारा ड्रम जाल ऊंचा नीचा होने की एडजस्टमेंट इसमें लगी हुई है। किसान अगर गिल्ला माल है तो ड्रम जाल को थोड़ा ऊंचा कर लेता है और चारा भी बड़ा छोटा ड्रम जाल की सेटिंग से हो जाता है, इसलिए गेहूं में बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। दूसरा जो मेन रीजन इसका है, हमारे पंखे और ड्रम के बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है और माल को आगे तक रड़का लगने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है, तो इस वजह से गेहूं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है ही नहीं। और हम तो गेहूं में ज़्यादा चला के खुश है, कस्टमर को पूरी जुम्मेवारी के साथ कहते हैं कि गेहूं में अच्छा बहुत चलेगा और चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंह जी, वैसे थ्रेशर के बारे में सारे किसान भाई जानते हैं, सिर्फ वो आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको आज मिला रहा हूं किसान भाइयों से। थैंक यू सर। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि इस थ्रेशर में इतना सफल होने के पीछे का क्या राज है? देखो सर, थ्रेशर की सफलता हम किसान के बेटा होने के नाते ये हमें विरासत से ही मिला, हमारे पिताजी का हमारा सौभाग्य है कि हमने अपने पिताजी के साथ फील्ड के अंदर ये थ्रेशर का काम किया। हमारे पिताजी एक किसान थे और हम किसान के बेटे हैं और वो थ्रेशर चलाने का काम करते थे। बनाने वाले तो बहुत से लोग हैं लेकिन वो लोहा इकट्ठा करके दे देते थे, चलता नहीं था, लेकिन वो हमारे पिताजी के पास आते थे। हमारे पिताजी एक टेक्निकल थे, किसान थे और उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज था, उसको सुधार करके वो फील्ड में चलाते थे। और ये थ्रेशर की सफलता हमें विरासत से, हमें अपने पिताजी से मिली है। फील्ड का जो सवाल है, फील्ड में हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। हम जब काम करते थे 92 से पहले तब भी नहीं थी, उसके बाद में नहीं थी, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज थी। हमारा ये खानदानी पेशा था थ्रेशर चलाना, हम खुद किराए पे काम करते थे। हमारे पिताजी जी के साथ हमें कभी भी जाने का मौका मिलता था और हम थोड़ा बहुत देखते, कभी रात को चले जाते, कभी दिन में चले जाते, स्कूल टाइम में चले जाते, तो हमें इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। और फील्ड में हमने पूरा जो नेटवर्क किया और उसी हिसाब से हमने अपनी एक एनवीटी की अलग से टीम तैयार की और जो आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है, तो हमें कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा भी ये कुछ हमें किसी तरह की कोई दिक्कत आई होगी। और अगर आ भी जाती है तो हम बड़े बढ़िया तरीके से उसको सॉल्व करते हैं और हमारा जो एनवीटी का एक नेटवर्क है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो सर, हमें टाइम देने के लिए और ये थ्रेशर दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू, सर थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप आज आपको इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। बाकी एनवीटी थ्रेशर के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए, वहाँ संपर्क कर लीजिए। अगर आपके क्षेत्र में डीलर हैं तो वहाँ के नंबर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, नहीं तो आप सीधे फैक्ट्री में बात कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं, अपने लिए थ्रेशर देख सकते हैं, खरीद सकते हैं और भी ज़्यादा विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आएँ तो ऐसे ही कमाल के वीडियो हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।